क्यों इतना जल्दी है एथिक्स कमिटी का? नहीं, उसके अंदर 2 तारीख ही होना चाहिए। तो शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल से भाजपा में चला गया था, उसका केस तो एथिक्स कमिटी में पेंडिंग है, तो उसका खिलाफ क्यों अभी 4 वर्ष 4 इयर्स 5 इयर्स वो पेंडिंग ही चल रहा है? और महुआ के लिए वो अभी से अभी चाहिए उनका रिजल्ट। शुभेंदु के बारे में चुप क्यों है एथिक्स कमिटी? क्यों नहीं घुस उसका खिलाफ तो सीबीआई भी एफआईआर कर दिया है, तो वो लोग क्या कर रहा है एथिक्स कमिटी? वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड वैसे चल रहा है।